लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं, देश में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आगे एक बड़ा धर्म संकट आ गया है। केरल में राहुल गांधी ने अपने धर्म संकट का जिक्र करते हुए कहा कि उनके आगे सबसे बड़ा धर्म संकट ये है कि वो रायबरेली को चुने या फिर वायनाड को। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में इन दोनों ही सीट रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था और इन दोनों ही सीटों पर उन्हें विजय हासिल हुई थी, लेकिन अब उन्हें इनमें से किसी एक सीट को चुनना होगा और एक सीट को छोड़ना होगा। केरल में राहुल गांधी ने अपने धर्म संकट का जिक्र करते हुए कहा कि उनके आगे बड़ा धर्म संकट है कि आखिरकार वो किस सीट को चुने। उन्होंने यहाँ इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो मोदी की तरह भगवान द्वारा निर्देशित नहीं है, वो जनता को ही अपना भगवान मानते हैं। ऐसे में उन्हें चुनने में दुविधा हो रही है कि वो वायनाड को चुने या फिर रायबरेली को। आपको बता दें कि 2019-2014 के मुकाबले 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी ने खुद इन दोनों ही सीट से जीत हासिल की है, जबकि 2019 के चुनाव में अमेठी अपनी पारंपरिक सीट से वो स्मृति ईरानी के हाथों हार गए थे, लेकिन वायनाड की जनता ने उन्हें खूब प्यार दिया था और वायनाड से जिताकर उन्हें संसद भेजा था। अब इस चुनाव की बात करें 2024 में, तो राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इस बार वो अमेठी से स्मृति ईरानी को चुनौती देंगे, लेकिन उन्होंने अमेठी को न चुनकर बल्कि रायबरेली को चुना। याद होगा आपको कि एक जनसभा के दौरान सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं आपको अपना बेटा सौंपने आई हूँ, और सोनिया गांधी की इस भावुक अपील का असर भी हुआ था। रायबरेली की जनता ने करीब 4 लाख वोटों के अंतर से राहुल गांधी को जिताकर संसद भिजवाया, जबकि वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर रहा करीब 3.5 लाख वोट। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी किस सीट को छोड़ेंगे और किस सीट को चुनेंगे। चर्चाओं की बात करें तो चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी रायबरेली को चुने और वायनाड सीट को छोड़ दें, और ऐसी स्थिति में वायनाड सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। इसके पीछे ये कहा तर्क दिया जा रहा है कि वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी क्योंकि सुरक्षित सीट है। लोकसभा चुनाव में केरल में 20 सीटें में 14 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, ऐसे में वायनाड को सेफ सीट देखा जा रहा है, जबकि रायबरेली को न छोड़ने के पीछे कहा जा रहा है कि रायबरेली एक पारंपरिक सीट है गांधी परिवार की, और अगर राहुल गांधी रायबरेली छोड़ते हैं तो फिर बीजेपी उन पर ये कहकर हमला कर सकती है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर यूपी की जनता को धोखा दिया है। और कहा भी जाता है कि अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो फिर दिल्ली का रास्ता आपको यूपी के रास्ते होकर ही पहुंचना होगा, तय करना होगा, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे।